नवीन पटनायक वरिष्ठ हस्तशिल्पी और बुणाकार को मासिक आर्थिक सहायता प्रदान घोषणा करते इतिम्य चार वर्ष बीतीगला राज्य वरिष्ठ नागरिक को मासिक आर्थिक सहायता मिल पारिना जहाक नहीं कारीगरों मध्य असंतोष बढ़िवे लगी। आज जयदेव भवन परिसर में आयोजित कारीगर समावेश हस्तशिल्पी और बुणाकार को यथाशीघ्र राज्य सरकार मासिक आर्थिक सहायता प्रदान करशा शिल्प महासंघ दावी करमरे मुख्यमंत्री निज प्रतिश्रुति रक्षा करने को शिल्पी महासंघ पक्ष नवेदन कर कलाकार को मासिक आर्थिक सहायता मिलुता बेले सरकार घोषणा सत्वे चार वर्ष होब हस्तशिल्पी और बुणाकार बाद पड़ आज समावेश हस्तशिल्पी और बुणाकार नेतृवृंद असंतोष व्यक्त करते 40 वर्षर महिला और 50 वर्षर पुरुष हस्तशिल्पी और बुणाकार को मासिक 1200 टंका आर्थिक सहायता सह 2,00,000 टंकार मृत्युकालीन सहायता भूमिहीन कारीगर को घर डीह पिला छात्रवृत्ति बिना सुधर ऋण जीवन बीमा भुवनेश्वर से सहायिका रहणी कारीगर हॉस्टल रास्ता कड़े शिल्पी उपयन ग्राम चिन्हट साइन बोर्ड व्यवस्था और जातीय राजपथ कड़े कारीगर हाट आदि व्यवस्था करने को आज समावेश दावी उपस्थापन तत्सहित गोपालपुर बुणाकार को टसर जगैबारे विभाग अधिकारी विफल होइथिबारु महासंघ पक्ष असंतोष व्यक्त कर बुणाकार को रिहाती दर में टसर सूता रंग एवं राज्यर पथर कारीगर को स्वल्प मूल्य कारीगरी उपयुक्त पथर जगाई देवा को महासंघ पक्ष दावी करा जाता। एही अवसर में भुवनेश्वर स्थित वर्ल्ड स्किल सेंटर पक्ष राज्यर हस्तशिल्पी और बुणाकार को उदकी भावे गढ़ी तोलिबा को विशेष तालीम प्रदान करिवे बोली यार साधारण परिचालक जितेन्द्र मोहन साहू घोषणा करते 100 घंटा अवधि में यह तालीम कारीगर गाँव में विशेषज्ञ द्वारा प्रदान करोषणा कर आज समावेश सभापतित्व कर शिल्पी महासंघर सभापति उदय महांति निज वक्तव्य जड़े कलानुरागी राजनेता भाव मुख्यमंत्री नवीन पटनायक कारीगर मौलिक समस्यार समाधान ध्यान देवे आशा व्यक्त करते कलाकार राज्य हस्तशिल्पी और बुणाकार को मासिक आर्थिक सहायता न मिले आगामी दिन में राज्यर असंतोष हस्तशिल्पी बुणाकार आंदोलनात्मक पंथा ग्रहण करने को बाध्य श्री महांति कारीगर समावेश मुख्य अतिथि भाव राज्य ग्राम उन्नयन दक्षता विकास और वैषयिक शिक्षा विभाग मंत्री इंजीनियर प्रीतिरंजन खड़ई आम राज्य हस्तंत्र और हस्तशिल्पर उच्च प्रशंसा करते कारीगर दावी प्रति राज्य सरकार संवेदनशील अच्छा ए संक्रांत में राज्य सरकार खूब शीघ्र निष्पत्ति नेबे बोली मंत्री श्री घड़े आशा व्यक्त करते राज्य हस्तंत्र और हस्तशिल्प विकास उन्नयन परिषद अध्यक्ष पद्म विभूषण सुदर्शन साहू निज वक्तव्य राज्य सरकार राज्यर हस्तशिल्पी बुणाकार प्रति सदय होगा अनुरोध जनाइले से समावेश सम्मानित अतिथि भाव भुवनेश्वर महानगर निगम मेयर सुलोचना दास खोर्धा जिला उपनिर्देशिका हस्तशिल्प प्रवीणा नायक केन्द्र बयन शिल्प मंत्रालय अधीनस्थ भुवनेश्वर स्थित हस्तशिल्प सेवा केन्द्र सहनिर्देशक एके होता डिजाइनर डॉक्टर गणेश मिश्र भुवनेश्वर स्थित मंदाकिनी अनुष्ठान प्रतिष्ठाता मधु चंदा बोल और डिजाइनर शिवानंद बोल प्रमुख निज वक्तव्य रखते खोर्धा जिलार विभिन्न प्रांत 500 हस्तशिल्पी और बुणाकार समावेश सामिल होते शिल्पी महासंघर संपादक प्रियरंजन कर मंच परिचालना करे खोर्धा जिला शाखा सभापति गगन महाराणा धन्यवाद अर्पण करते कार्यक्रम परिचालन विपिन बिहारी साहू दिलीप पटनायक नितेन्द्र परिडा नमिता पंडा अजय जगदेव संजय मुदली निरंजन मुखी नरहरि भोई संतोष ओझा दिजपर दास कालंदी परिडा प्रशांत बेहरा शकुंतला हरिचंदन शरद प्रधान अशोक गमु अंजुलता बेहरा आनंद नायक और सरोजनी दास प्रमुख सहयोग करते जय जगन्नाथ आज आलोचना चक्र ओडिशा सरकार एवं भारत सरकार उभय को शिल्पी स्थपति चित्रकर बुणाकार एमान कर जो समस्या सरकार शीघ्र बुझंतु
ଏମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆମର ଓଡ଼ିଶାର କଳା ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ ଏକ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଗ୍ରନ୍ଥାଗାର, ତା ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗରୁ ପୁରୁଣା ଥିଲା ସେ ବିଲୁପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ନୂଆ ଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଉତ୍କଳର ଯେଉଁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କଳା ପୁଣି ଫୁଟି ଉଠିବ। ଏଇ ହେଉଛି ଆଜିର ତା ପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଶିଳ୍ପୀ ସଂଘ କରିଛି, ଶିଳ୍ପୀ ସଂଘକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏ କଥାକୁ ବୁଝନ୍ତୁ। ପ୍ରତି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ହେଉଛି, ଏକୁ ମିଶାଇକିରି 8ଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ହେଲାଣି, ପ୍ରତି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ହେବ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପୂର୍ବରୁ ସରକାର ଯେମିତି ହେଲେ ଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୁବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ରହିଛି କଞ୍ଚାମାଲ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, କଞ୍ଚାମାଲ ରହିଛି, ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ଗରିବ ଶିଳ୍ପୀ ସେମାନେ ବୟସାଧିକ ହେଇଗଲେଣି, ପେନସନ୍ ପାଉନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ହେଲ୍ଥ କାର୍ଡ ବି ନାହିଁ। କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯଦିଓ ହେଲ୍ଥ କାର୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ବି ପାଇପାରିନାହାନ୍ତି। ସେଭଳିଆ ଏକ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ତାକୁ ଶିଳ୍ପୀ ମହାସଂଘଙ୍କର ସହଯୋଗ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକିରି କଲେ ପ୍ରକୃତ କାରିଗର ମାନେ ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବେ। ଏଥିରେ ବହୁତ ବାହାର ଲୋକ ବି ପ୍ରବେଶ କରିଯାଉଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସମରେନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କ ସହ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏ1 ଓଡ଼ିଶା।